खबर जनपद बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व सांसद की चार दीवारी व गौशाला पर चला बुलडोजर। तुलसीपुर के एसडीएम ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर से 25 बीघा अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराई। पूर्व सांसद मसूद के भाई महमूद खां के नाम दर्ज जमीन से प्रशासन ने हटवाया अवैध कब्जा। तुलसीपुर के एसडीएम ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर से 25 बीघा अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराई। चकरोड की जमीन भी खाली कराई गई। ये जमीन पूर्व विधायक मसूद के भाई महमूद के नाम दर्ज है। उनके प्रार्थना पत्र पर जमीन से अवैध कब्जा हटवाया है। पूर्व सांसद की चार दीवारी पर बुलडोजर चला है। पूर्व सांसद व उनके दामाद रमीज व बेटी जेबा रिजवान पर तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। पूर्व सांसद की हवेली गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले ही कुर्क की जा चुकी है। पूर्व विधायक मसूद खां के भाई महमूद खां ने पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप था कि महमूद के नाम दर्ज घाटा संख्या 262 व 298 की लगभग 25 बीघा जमीन रिजवान जहीर ने 20 वर्षों से कब्जा कर रखा है। जमीन को सब्जी खेती करने के लिए किराए पर दे रखा है। कुछ जमीन पर गौशाला आदि का निर्माण किया है। बुधवार को तुलसीपुर एसडीएम मंगलेश दुबे ने मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने सीओ कुंवर प्रताप व कोतवाल अवधेश राज सिंह से सहयोग मांग कर चार थानों की पुलिस बुलाई, साथ में एक प्लाटून पीएससी भी लगी। दोपहर 12 बजे रिजवान जहीर के मकान का गेट नंबर 2 जेसीबी से ढहा दिया गया। करीब 25 मीटर चार दीवारी भी गिराई गई। पुलिस ने फर्जी तरीके से बने गौशाला को भी ढहा दिया।